अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, मैं लिस्ट बना रही थी बकरीद के हवाले से, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा यहीं से क्लिप स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैं कुछ सामान मुझे लेने थे बकरीद के लिए, तो उसके लिए मैंने लिस्ट प्रिपेयर करना था, तो मैं सबसे पहले लिस्ट बना लेती हूँ। इवन अगर मैं दावत भी मैं प्लान करती हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन के से पहले मैं लिस्ट रेडी करती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाना है और मैंने क्या क्या शॉपिंग करनी है, तो इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से किया करें, पहले लिस्ट बना लिया करें, उसके बाद काम स्टार्ट किया करें। तो सबसे पहले मैं लिस्ट रेडी करती हूँ और मैंने बकरीद की लिस्ट बनानी है। अब जब मैं दावत प्लान करूँगी तो पहले दावत की लिस्ट बनाऊँगी कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी करनी है, उसके बाद मैं लिस्ट बनाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाना है। तो मेरा आधा काम तो यहीं पर फिनिश हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है मेरा काम। आप लोग को तो पता ही होगा कि जब हम बकरीद में या ईद में जब दावतें करते हैं तो बहुत लंबे प्रोसेस में होती है दावत और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। देखिए मैंने लिस्ट बना ली ग्रॉसरी की, अब ये मैं लिस्ट लेकर जाऊंगी और सामान लेकर आऊंगी, तो इससे बहुत इजी हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। और आपने जो जो याद आता रहे वो लिस्ट में आप ऐड करते रहें। मैं लिस्ट बना के डाइनिंग पर रख देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड करती रहती हूँ जो जो मुझे याद आता जाता है, क्योंकि जब मैं सामान लेने जाती हूँ ना तो मुझे आधी चीज़ें भूल जाती हैं, तो मैं इसलिए लिस्ट रेडी करती हूँ। हालांकि मैं सोचती हूँ कि मैं हस्बैंड को व्हाट्सअप कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरे लिए सामान लेकर आएंगे, तो मैं खुद जाती हूँ अपना सामान लेने। तो बस इसके बाद लिस्ट सबसे पहला काम, आज मैंने लिस्ट रेडी किया जो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ कि अब मेरा काम आसान हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वॉश करने थे, मैंने वो स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ना थोड़े थोड़े करके मैंने किचन के बहुत सारे काम निपटाए। और आप लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए, तो मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो फैमिली में मैं, मेरी तीन बहनें हैं और मैं थ्री सिस्टर्स हूँ, तीनों की शादी हो चुकी है और एक की ना मेरे कज़िन के साथ हुई है उसकी शादी, और एक की जो है रिलेशन में नहीं है लेकिन वो बॉम्बे में ही हुई है लोकल में। तो तीनों बहनें माशाल्लाह ठीक हैं, खुशहाल हैं अपनी ज़िंदगी में, बस यही है मेरी फैमिली। और हस्बैंड की फैमिली के बारे में बहुत जल्दी आप लोग के साथ वो भी डिस्कस करूँगी, और आज थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम था। और बस ये देखिए मैंने थोड़ा सा बर्तन वगैरह वॉश करना था, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को क्लिक किया करें जिससे आने वाले हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बर्तन वगैरह वॉश होने के बाद मैंने सिंक भी वॉश करना था। और आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं बकरीद की, और किस तरह से आप लोग ग्रॉसरी करते हैं, किस तरह से आप लोग दावतें वगैरह प्लान करते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आप लोग के फीडबैक का। और आप लोग के फीडबैक देख कर ही मैं वीडियो बनाने की हिम्मत कर लेती हूँ कि भाई मैंने भी वीडियो बना लेती हूँ, मेरे वीडियो का भी लोग वेट करते हैं। थैंक यू सो मच इतना मोटिवेट करने के लिए और इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही मैंने भिगो दिया था कीमा, और आज हस्बैंड को लंच पे नहीं आना था तो मैंने सोचा मैं कीमा और पराठा बना लूँगी, और कुछ मसाले मैं लेकर आई थी जो फिल करने थे, तो ये मसाले मैं आज के नहीं है, बहुत पहले के थे लेकिन मैं फिल नहीं कर पाई थी, तो बस इसे फिल कर दिया। और साथ ही मैंने जो अभी लिस्ट बनाई है उसकी ग्रॉसरी, फुल ग्रॉसरी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई। तो क्योंकि मुझे छोटी चीज़ों की ज़रूरत लगती रहती है, मैं लिस्ट में ऐड करती जाती हूँ और साथ ही मैं एक साथ ही शॉपिंग कर लेती हूँ। और ये देखें, अब ये कसूरी मेथी भी थी और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसको लेके स्टॉक में ही रखती हूँ कि मुझे हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये सब काम होने के बाद मैंने किचन क्लीन करना था, तो बर्तन वगैरह वॉश होने के बाद, ये मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग है, इसी से मैं सब कुछ करती हूँ, मतलब क्लीन प्लेटफॉर्म वगैरह सब इसी से क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में, होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप लोग लाइक भी ज़रूर कर देंगे, अपना कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा। और बातें इतनी होती हैं कि मेरे पास तो टाइम ही कम हो जाता है आप लोगों से बात करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करना है, वो भी बहुत जल्दी करूँगी। और इंशाल्लाह अब मैं वीक में दो व्लॉग डालूँगी और आप लोगों को कम्युनिटी पे मैं अपनी पोस्ट शेयर करूँगी कि मैं किस किस दिन डे व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा व्लॉग लेट होता है तो मेरे पास मैसेजेस आने लगते हैं कि आप प्लीज़ व्लॉग डाला करें, रेगुलर बेसिस पर डाला करें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों चैनल को हैंडल करना। और एक या आप लोग उस चैनल पर भी विजिट करें, वहाँ आपको बहुत अच्छी यूनिक किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी, तो इंशाल्लाह मैं इसको भी रेगुलर करूँगी। बस ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मेरा जो है ना किचन जो है क्लीन हो गया है,
और जब किचन क्लीन हो जाए तो काम बिल्कुल आधा हो जाता है। फिर आप फटाफट से खाना रेडी करते हैं। खाने में बना रही थी कीमा और साथ में बनाऊंगी पराठे, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे मैं और बच्चे थे, तो बस मैंने कहा मैं यही बना लेती हूँ, जब शाम में हस्बैंड आएंगे तो फिर देखते हैं क्या बनाना है। सारा कुछ क्लीन करने के बाद मैंने कहा अनियन चॉप करने लगी थी और साथ ही आपसे थोड़ी सी करती हूँ गपशप। तो बकरीद में क्या होता है ना कि हम लोगों ने थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर लें तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और मेरे घर में तो इतने गेस्ट आते हैं ना, मेरे हस्बैंड को बड़ा ही शौक है दावतें देने का और गेस्ट को बुलाने का और ख़ुद भी जाने का, तो मेरा सारा टाइम 1 वीक तो इसी तरह से गुजर जाता है दावतें खाने और खिलाने में, तो बस इसी तरह से। और अब फटाफट से बनाती हूँ कीमा और उसके बाद फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल नॉर्मल सा कीमा मैंने बनाया है, सिंपल प्याज को फ्राई करके और बस सिंपल सा, जिस तरह हम लोग कीमा बनाते हैं उसी तरह बनाया। साथ में मैंने आलू मटर अभी ऐड किया है। और दूसरा ये कि मुझे आपसे एक बात और भी कहना है कि आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि इसकी फुल रेसिपी शेयर करें, आप लोग चैनल पर मुझे कॉमेंट देते हैं, तो इस सब की फुल रेसिपी मेरे किचन वाले चैनल पर, वहाँ पर विज़िट करें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की फुल रेसिपी मिलेगी। और मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं दोनों चैनल पर अपनी रेसिपी शेयर करूँ, बहुत मुश्किल होता है। और साथ में बना रही थी डो, और डो रेडी होने के बाद मैं इसे थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी, उसके बाद मैं पराठे बना लूँगी। आपसे बात करते करते मेरा कीमा भी बन गया और साथ ही मैंने बना लिए पराठे, और अब मैं हम लोग करेंगे लंच। और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मेरे चैनल पर विजिट करते रहें। और इससे रिलेटेड आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, सिर्फ मारिस किचन को, यहाँ वहाँ आपको ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी। फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, मारिस किचन एंड मारिया रेबन ब्लॉगर। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, मेरे फॉलोअर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। और कहते हैं ना जब मेहनत करो तो अल्लाह ताला पूरा साथ देता है, तो बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ताला ने मेरा बड़ा साथ दिया और साथ ही आप लोगों को मेरे साथ मिला दिया, तो थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के बिना सपोर्ट के मैं यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो बस अब करते हैं लंच इन्जॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉच, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जिसको आप करें फुल इन्जॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बहुत जरूर याद रखिएगा।